से इस बीच बता दें, विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैठक, टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ नवीन महाजन की बैठक, आदर्श आचार संहिता की पालना में सहयोग की अपील, अधिप्रमाणित विज्ञापन की प्रसारित करे टेलीकॉम कंपनी मुख्य निर्वाचन अधिकारी और गैर प्रमाणित संदेश प्रसारित करने पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी साइलेंट पीरियड के दौरान बल्क मैसेज और कॉलिंग पर भी रोक। बैठक में BSNL, एयरटेल, VI, जियो के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उपचुनाव को लेकर यह बैठक, जयपुर से खबर, टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ नवीन महाजन ने बैठक की, आदर्श आचार संहिता की पालना के सहयोग की अपील उन्होंने की है, अधिप्रमाणित विज्ञापन ही प्रसारित करे टेलीकॉम कंपनी और गैर प्रमाणित संदेश प्रसारित करने पर कार्रवाई की भी बात मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कही है। बैठक में BSNL, एयरटेल, VI और जियो के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उपचुनाव को लेकर बैठक हुई है। और विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। सातों विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी 7 वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है। प्रमोद भाया जैन को दौसा विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। झुंझुनू सीट के लिए गोविंद राम मेघवाल को जिम्मा दिया गया है। रामगढ़ सीट पर भजन लाल जाटव, देवली उनियारा सीट पर हरिमोहन शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सातों विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर के नाम जारी किए हैं। झुंझुनू सीट के लिए गोविंद राम मेघवाल को जिम्मा सौंपा गया है। रामगढ़ सीट पर भजन लाल जाटव। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी, 7 विधानसभा सीटों के लिए 7 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमोद भाया जैन को दौसा की, झुंझुनू सीट के लिए गोविंद राम मेघवाल को जिम्मा दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशांत पारिक फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, कांग्रेस की तरफ से उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, सीनियर ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिया गया है। बिल्कुल, सीनियर ऑब्जर्वर को लगाया गया है ताकि चुनाव के दौरान पूरी व्यवस्थाओं का जिम्मा रहे, पार्टी के प्रत्याशियों के चयन में इनकी भूमिका रहेगी, साथ ही पूरा मैनेजमेंट जो है वहां पर किस तरीके से किन मुद्दों के साथ जो है वो चुनाव में जाएगी पार्टी, स्थानीय इशू क्या है, कैसे हैंडल करना है, पूरा चुनावी मैनेजमेंट जो है वो इनके जिम्मे रहेगा। और सभी सीनियर और अनुभवी नेता हैं, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से पुराने वरिष्ठ तजुर्बे का लोग हैं, चुनाव लड़वाने का इनके पास अनुभव है। और दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली में पंजाब भवन में जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं उनके साथ कांग्रेस के नेताओं ने आज मंथन भी किया है टिकट वितरण को लेकर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो है वो सुखविंदर सिंह रंधावा से मिले हैं, सचिन पायलट भी आज जो है प्रभारी से मिले हैं और सभी सीटों को लेकर अपना फीडबैक दिया है। तो कांग्रेस एक तरीके से एक्शन मोड में है और माना जा रहा है कि खींसर और जो 84 सीट को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी सीटों के नाम फाइनल है। अशोक गहलोत भी आज रात को दिल्ली जा रहे हैं और कल वो भी प्रभारी और पार्टी के दूसरे नेताओं से मिलेंगे। तो कांग्रेस कल नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द अपनी टिकटों का ऐलान करे। बिल्कुल ठीक है सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।